स्वामी विवेकानंद ने जो काम युवावस्था में करके दिखाया है, वो काम जो है किसी ने करके नहीं दिखा पाया। आप ये देखते होंगे कि हम किस प्रकार के लोगों को याद रखते हैं। पहली चीज आप लोग उस चीज को समझिएगा कि हम किस प्रकार के लोगों को याद रखते हैं। हम इस प्रकार के लोगों को याद रखते हैं जो लीक से हटकर काम करते हैं। लीक का मतलब एक रास्ता बना हुआ है, उसी पर नहीं वो चल रहे, उससे हटकर के जब वो कोई कार्य करते हैं उन्हीं को हम याद करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक आपको उदाहरण दें, महात्मा गांधी जी का उदाहरण देते हैं आपको। महात्मा गांधी जी ने देखा था कि 1857 में हम लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्रों के साथ युद्ध किया, यानी जो वो 1857 की क्रांति थी वो राजा महाराजा के द्वारा की गई है, और वो शस्त्रीय क्रांति थी यानी उसमें हथियारों का इस्तेमाल किया, और अंग्रेज इस मामले में हमसे ज्यादा अच्छे थे, उनके हथियार हमारे हथियारों से ज्यादा अच्छे थे, और उस 1857 के संग्राम में जनता का कोई भी योगदान नहीं, जनता उसमें शामिल नहीं थी, केवल राजा महाराजा ही शामिल थे, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति असफल हुई। इस चीज को उन्होंने ध्यान में रखा, हथियारों के माध्यम से अंग्रेजों से नहीं जीत सके, तो उन्होंने दूसरा रास्ता, क्या रास्ता अपनाया, अहिंसा। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा के रास्ते पर चलकर के आजादी को लेकर के आएंगे, तो उस रास्ते पर चलकर के 1947 में आजादी मिल गई। यानी उन्होंने लीक से हटे ना, जो रास्ता पहले से तय था हथियारों वाला, उसको ना चुन करके उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और वो सफल हो गए, और आज हम उनको याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं। यहाँ तक कि नोटों में भी उनकी सब जगह तस्वीर लगी है, सभी ऑफिस में उनकी तस्वीर लगी है। एक एग्जाम्पल तो हो गया महात्मा गांधी का, जिसमें उन्होंने जो है लीक से हटकर काम किया। दूसरा देखिए सरदार भगत सिंह का भी नाम हम लोग याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं, क्योंकि वो लीक से हटकर के काम किया करते हैं। उनका मानना देखिए, सबकी सोच अलग अलग रहती है, विचार जो होते हैं सबके अलग है। महात्मा गांधी का विचार अहिंसा का था, उनका विचार था कि अहिंसा से आजादी मिल सकती है। भगत सिंह का विचार था नहीं, हथियारों से आजादी मिलेगी। ऐसा ही विचार कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी था कि हमको हथियारों से ही आजादी, यानी अंग्रेजों को हरा करके ही आजादी मिल सकती है। ठीक है, तो सबने अपने अपने तरीके से आजादी के आंदोलन में योगदान दिया। उसी प्रकार से हम स्वामी विवेकानंद को क्यों याद करते हैं, हमें किस पर आना चाहिए। अब जो जितने भी युवा लोग हैं, यंग लोग हैं, वो किस प्रकार से आजादी के आंदोलन में सक्रिय हुए, इसका जो है एक सबसे बड़ा कारण जो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हमारे आध्यात्मिक गुरु। हमने हमारे हिंदू संस्कृत में चार वेदों के नाम आपको असर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वेदों की भाषा बहुत ही क्लिष्ट है, संस्कृत में है, वो ज्यादातर किसी को समझ में नहीं आते हैं वेद, ठीक है। उन वेदों को समझने के लिए वेदांत लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, तो ये वेदांत के गुरु स्वामी विवेकानंद जो है वेदांत शाखा के गुरु थे। इन्होंने वेदों को समझाया नई पीढ़ी को, वेदों में जो कुछ लिखा था उसको इन्होंने किस प्रकार से समझाया, यही इनकी महानता है। तो वेदों की भाषा को सरल करके और जनता तक पहुंचाने में स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान। जैसा कि बहुत सारे बताया था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म मेरी ही प्राप्ति आपको स्वयं हो जाएगी, ये हमें बहुत अच्छा संदेश दिया कि वो कितने सम्मान की नजरों से महिलाओं को देखते। दूसरा एक प्रसंग मुझे उनका और याद आ रहा है, एक बार एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा, युवा था आपके जैसा, पूछा गया, कहने लगा स्वामी जी मैं बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन सफलता मिल नहीं पा रही है, मैं अपना पूरा जी जान लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन आम परीक्षा में मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, या जो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ उसमें मुझको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। तो उन्होंने कहा ये जो मेरा कुत्ता है इसको तुम थोड़ा टहला के लाओ, फिर मैं बताता हूँ। फिर वो व्यक्ति थोड़ी देर एक दो घंटे बाद उसको टहला
तो व्यक्ति तो शांत था लेकिन कुत्ता उनका हाफ था। तो स्वामी जी ने कहा तुम तो बड़े ठीक ठाक दिखाई दे रहे हो लेकिन ये कुत्ता हाफ रहा है। तो वो व्यक्ति बोला कि गुरुजी मैं इसको लेके जब बाहर निकला तो ये बार बार इधर उधर बहुत भाग रहा था, इधर उधर भागने में इसने अपनी एनर्जी बहुत सारी वेस्ट कर दी और मैं तो सीधे अपने रास्ते आया हूँ, उसने मैं ज्यादा थका नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा तुम समझो आप लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को चुना आप लोग इधर उधर बहुत भागने लगते हैं, ऐसा होता है? किसी ने कहा ये पढ़ लो तो ये पढ़ लेते हैं हम, किसी ने कहा विद्या से पढ़ लो, किसी ने कहा विकास से पढ़ लो, जो आपकी सिलेबस की कोर्स की बुक होती है आप लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते, होता है ऐसा? फिर आप कहते सफलता नहीं है, आप लोग वो पेपर ले आए लाओ सॉल्व कर डाले, ये कर डाले वो कर डाले, विद्या के सारे क्वेश्चन याद कर डाले, मैं सुनने वो अलग वाली किताब खरीदी है उसके क्वेश्चन मुझे दे दो, मेन चीज तो आपके पास जो आपकी सिलेबस वाली बुक है आप उस पर उतना ध्यान नहीं देते। अगर आप वो बुक डायरी से पढ़ लें, उनके जो चैप्टर्स दिए हैं उसके एक एक टॉपिक को आप अच्छे से समझ लें, एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी परीक्षा में बैठे हो तो अच्छे नंबरों से पास हो गए, है ना? ऐसा होता है आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि किस काम से हमको ये शिक्षा मिली कि हम बताएं कि आप लोग इस काम से सुन रहे हैं, ठीक है? टॉपिक बहुत अच्छा लगता है लेकिन आने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। और अगर टीचर ने पूरा जीवन जो भी था इनका लाइफ रही है, लेकिन स्टेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं चलना है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, या कोई बूढ़े माँ बाप भी अगर हो जाते हैं तो ऐसा आपको ये प्रेजेंटेशन आपको करना है तो उनको फील हो कि हम हाजी साथ संस्कृति को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें युवाओं के साथ साथ युवा पीढ़ी के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। और जैसा कि हम एक चीज़ और है कि युवा के जीवन में विविधता काफ़ी ज़्यादा है, युवा काफ़ी रास्ते ऐसे हैं कि लोग भटक जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम हो गए और गलत रास्तों में, इसीलिए उन्होंने कहा वेदों में हमारी सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आप हम मैथ पढ़ रहे हैं साइंस पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लोगों ने मूवियाँ भी देखी हुई उसमें भी बताया गया कि वेदों में आध्यात्मिक कितना ज्ञान है, तो वो सब स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे देश के सामने प्रस्तुत किया और हम सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए स्वामी विवेकानंद जी से कि उन्होंने इतनी कम रूम कम इतना अच्छा काम किया युवाओं के लिए। और इंस्पिरेशन मानकर हमें ये सीखना चाहिए कि जैसे कि हमें अपने समय का सब ये जो टाइम चल रहा है अभी आपका समय चल रहा है ये बहुत भूल है, इसका कोई अभी जैसे अभी